अंकल एक मीडिया कंपनी में ऐसा राइटर वर्क कर रहा था। राइटर? जी जी। तुमने तो इंजीनियरिंग की थी ना? जी। तो जब राइटर बनना था तो इंजीनियरिंग क्यों की? हेलो ऐसे ही मतलब ऐसे ही मतलब भाई जब राइटर बनना था तो इंजीनियरिंग क्यों की? अंकल मैं बताता हूँ ना क्यों की इंजीनियरिंग। बताओ। अंकल आप जैसे चूतिए लोगों की वजह से की इंजीनियरिंग, क्योंकि आपके जीवन में हमारे जीवन में दखल देने के सिवा कोई दूसरा काम तो होता नहीं है ना। साला जब से हो संभाले, जब से दूसरे बाप बनकर हमारे सिर पे आके बैठे हुए हैं। अरे इतनी फिक्र तो मेरे सगे माँ बाप मेरी नहीं करते जितनी हमारे अंकल जी करते हैं। क्यों अंकल, सही बोल रहा हूँ ना मैं? अरे साला मैं इतना सा था, अगर बस स्टॉप पे आइसक्रीम खाने के लिए भी खड़ा हो जाता था ना तो जाके मेरे बाप को चुगली कर देते थे। अरे इसलिए जब आज सिगरेट पीने के लिए कहीं खड़ा होता हूँ तो मेरी गांड फटती है कि अरे इसके पीछे से शर्मा अंकल आके ना देख ले। अरे साला बोर्ड टेस्ट हो, यूनिट की एग्जाम हो या क्लास टेस्ट हो, अरे बोर्ड वाले रिजल्ट देना भूल जाएंगे लेकिन आप हमारे घर आना नहीं भूलेंगे। टेंथ की एग्जाम हो तो आके खड़े हो गए, अरे बेटा कितने परसेंट बने? अरे बहन चोत 80% बने, पर अगर ये बात मैं इनको बता देता तो मेरे बाप को डिप्रेशन में ले आते कि अरे 80% बने लेकिन सब्जेक्ट क्या लोगे? अरे सब्जेक्ट अगर मैं बोल देता ना कि आर्ट्स लेके राइटर बनना चाहता हूँ, अरे तो तुम तो मेरे बाप को डालते यार। और अगर 12th के बाद में इंजीनियरिंग नहीं करता तो अरे फिर मैक्स क्यों लिया? अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग नहीं करनी थी तो अरे साले इंजीनियर 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 काय का इंजीनियर पे? साला जब से इंजीनियरिंग करी है ना अंकल, कुछ भी नियर नहीं है, ना गर्लफ्रेंड ना पैसा ना जॉब, नियर है तो तुम जैसे चार चूतिए लोग। और साले भैन चोद कौन से चार लोग यार? साला जब देखो जब आके खड़े हो जाते चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग ये कहेंगे, चार लोग वो कहेंगे, उन चूतिए चार लोग को मेरे सामने लेके आना, साला गांड में सिल्ले भर दूंगा मैं एक साथ। साला जब देखो जब आके खड़े हो जाते हो। और यार एक बात बताओ, और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है? ये है ना आप हमारे ऊपर हमारी जहन में पूछने नहीं आते हो, आप बस इसलिए आते हो कि आप हमारी बेइज्जती कर सको। क्यों? क्योंकि तुम तुम्हारे भड़वे लड़के को अच्छा बता सको। अरे तुम्हारे 80% बने, मेरे बेटे के तो 90% बने। अरे तुम राइटर की नौकरी कर रहे हो, मेरा बेटा तो एमएनसी में 1 करोड़ की जॉब कर रहा है। अरे बहुत सटीक है, तेरा बेटा 1 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, 100 करोड़ कमाए, मुझे क्या करना यार? अगर मैं इंजीनियरिंग के बाद राइटर बन रहा हूँ, सीए बन रहा हूँ, साला आर्मी में जा रहा हूँ तो मुझे खुश रहने देना यार। चल जा यहाँ से। अच्छा अंकल नमस्ते, आना है ना?